हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। टीम्स के अंथक प्रयासों के कारण अब तक सिरसा जिले में 205,182 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और जो 18 प्लस की जो पॉपुलेशन है उनकी हमारी 10,107 लोगों का वैक्सीनेशन कल शाम तक किया जा चुका है। हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है गवर्नमेंट के, वो 32 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। आज चूंकि थोड़ी जगह पे वैक्सीन उनके पास क्योंकि स्टॉक आउट हो चुकी है, तो 11 जगह पे 18 प्लस का वैक्सीनेशन सेंटर चलाया जा रहा है और 26 जगहों पे 45 प्लस का। 45 प्लस के लिए मैं मतलब आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप घर से आते वक्त एक अपना जो फोटो आईडी कार्ड, इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर आधार कार्ड है तो सबसे उत्तम है, नहीं तो बैंक की पासबुक अगर उसमें फ़ोटो लगी है या पासपोर्ट की कॉपी, इनमें से कोई भी आप लेके आ सकते हैं साथ में और मौके पे ही रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन किया जाता है। और जो 18 प्लस का है सर, उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक आपका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होता तब तक आप हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए आने की कृपालता ना करें। 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन है अलग सेशन लगता है हमारा, और 45 साल का प्लस का और साथ में फ्रंटलाइन वर्कर्स का, हेल्थ केयर वर्कर्स का, उनका सेशन अलग से लगता है। देखो एक्चुअली इस समय जो वैक्सीन की सप्लाई की पोजीशन है उसमें हमारी कोशिश है कि भी सारी जगह हम ऑपरेशनल रखें इसको, और वो वैक्सीन की मात्रा इस प्रकार की है कि कैंप संभव नहीं है तो हमारे जो सेंटर्स हैं वही मतलब वैक्सीनेशन कर रहे हैं सर। रजिस्ट्रेशन एक्चुअली क्या होता है, पोर्टल से निकालना संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे उस समय उस दिन रजिस्टर हुए हैं, क्योंकि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन है सर, तो हम रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन कर ही देते हैं सर।